Assalamu alaikum class. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 5, bottom up parsers. अब bottom up parsing की आपको मैंने minor सी detail पहले बताई थी, लेकिन अब हम इसे properly पढ़ेंगे कि what is bottom up parsing और ये सारी technique होती कैसे. Bottom up parsing is more general parsing technique, ठीक है, when compared to top down parsing. The widely used method in practice is bottom up parsing. So examples of bottom up parsers are Yak and Bison, मतलब ये आपके जो ऑटोमेटिक पार्सर जनरेटर्स हैं, ये इनमें हमारे पास यही टेक्निक यूज़ होती है और ये टॉप डाउन पार्सिंग से भी कहीं ज़्यादा यूज़ होती है. बल्कि हम जब इनकी आगे आप देखेंगे टाइप्स वगैरह देखेंगे तो पता चलेगा कि ये मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है और टॉप डाउन पार्सर्स की नस्बत बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है. सो बॉटम अप पार्सिंग इज़ द मोस्ट वाइडली यूज पार्सिंग टेक्निक यूज इन द मोस्ट ऑफ ऑटोमेटिक पार्सर जनरेटर, ठीक है. इन दिस चैप्टर वी डिस्कस वट इज़ shift reduce parsing and types of the different SR parsers. We also discuss in detail the parsing algorithms of different bottom up parsers and given a grammar and how to test. मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हमारे पास हैं, लेकिन हम ये चैप्टर देखेंगे साथ साथ, ठीक है. अब हम सबसे पहले देखेंगे कि bottom up parsing है क्या हमारे पास. So bottom up parsing is an attempt to construct a parse tree for the given input string in the bottom up manner. ठीक है, हम बॉटम अप से कह रहे हैं, मतलब अब यहां पे आप देखें, इट स्टार्ट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्री स्टार्टिंग विद द लीव्स द बॉटम एंड वर्किंग अपवर्ड टू द रूट द टॉप. यानी आपके पास कुछ इस तरह करके उल्टा वाला ट्री है हमारे पास, यहां पे हमारे पास रूट है. ये मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, वैसे आपके पास बेशक हम इस तरह हैं कि आप ये समझ लें कि हम यहाँ से ट्री बनाना शुरू कर रहे हैं. इस तरह करके हम ट्री बनाते हैं, वो ऊपर जाता है और फिर इस तरह हम पूरा करते हैं. वैसे तो हम यहाँ पे पहले रूट बनाते हैं और फिर उसके बाद हम ट्री के लीव जो हैं वो बनाते जाते हैं. जिस तरह भी हमारा सिस्टम होता है हम उस तरह करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे उल्टा करते हैं. सो बॉटम अप पार्सिंग इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस the input string omega to the start symbol of the grammar by tracing out the rightmost derivation of omega in the reverse. ये भी चीज़ आपको बाद में जाके क्लियर हो जाएगी कि हम इसे rightmost derivation का रिवर्स क्यों कह रहे होते हैं. तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो भी कोई इनपुट स्ट्रिंग है, लेट से दैट इनपुट स्ट्रिंग इज ए बी सी डी, तो इसको उन्होंने इनपुट स्ट्रिंग को कहा है कि लेट से दैट इज ओमेगा, ठीक है. ये इनपुट स्ट्रिंग है आपके पास और इस इनपुट स्ट्रिंग को हम ट्रेस आउट करते 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 एंड तक स्टार्ट सिंबल तक ले जाते हैं. ये हमारे पास काम होता है. दिस एनालॉगस टू कंस्ट्रक्टिंग अ पार्स ट्री फॉर अ गिवन इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू इन बॉटम अप मैनर बाय स्टार्टिंग विद द लीव्स एंड प्रोसीडिंग टूवर्ड्स रूट. वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह जैसे आप कोई आम ट्री बनाएं और रूट से शुरू करें और उसके बाद आप उसको एंड तक ले जाएं. जो ये बात हम बार बार इधर पढ़ेंगे ताकि आपके पास इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. सो गिवन अ ग्रामर जी, ठीक है, एंड इनपुट स्ट्रिंग ओमेगा, बॉटम अप पार्सर स्टार्ट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्स ट्री विद इनपुट स्ट्रिंग ओमेगा. हम इनपुट स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं. एट एनी टाइम इट आइडेंटिफाइज अ सबस्ट्रिंग दैट मैचेस विद द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रामर. यानी हम हर वक्त देखते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग जो है वो मैच हो जाए. अब मैं आपको इसकी भी बार बार एग्जांपल करवा दूं, लेकिन बेहतर ये है कि आगे जब हमारे पास एग्जांपल्स आएंगी तो हम तभी उनको देख लेंगे कि किस तरह होता है. यानी हम कोई भी सब स्ट्रिंग देखते हैं, लेट से कि कोई आपके पास, मैं चले बता ही देती हूँ, ए ए सी डी, ये आपके पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है. इसमें ये जो डबल ए है, आपको पता है कि आपकी प्रोडक्शंस में ए इज मेकिंग डबल ए. तो जब ये डबल ए आया तो आपको पता चला कि ये सब स्ट्रिंग जो है इट मैचेस विद द राइट हैंड साइड ऑफ अ प्रोडक्शन. दिस इज अ प्रोडक्शन और इसकी ये राइट हैंड साइड है और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है. तो आपको पता चला कि ये डबल ए जो है ये किसी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है, तो इसको रिप्लेस करवा देंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्मिनल के साथ, ठीक है. सो द सबस्ट्रिंग इज रिप्लेस्ड बाय द लेफ्ट हैंड साइड नॉन टर्मिनल ऑफ द ग्रामर. इफ दिस रिप्लेसमेंट गिव्स द जनरेशन ऑफ सेंटेंशियल फॉर्म दैट इज अ वन स्टेप अलोंग द रिवर्स ऑफ द राइट मोस्ट डेरिवेशन. तो आप अगर एक बार वो सेंटेंशियल फॉर्म बन गई, फिर अगली बनेगी. सेंटेंशियल फॉर्म आपको पता है ना, जिसमें टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स मिक्स होते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सब स्ट्रिंग दैट मैचेज विद द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन एंड रिप्लेसिंग दैट सब स्ट्रिंग बाय द लेफ्ट हैंड साइड नॉन टर्मिनल इज कंटिन्यूड अंटिल द गिवन स्ट्रिंग इज रिड्यूस्ड
to the start symbol S, let us understand the process with the help of example. हम ये काम तब तक करते हैं, हर बार हम कोई ना कोई substring ढूंढते हैं, उसको match करते हैं किसी की right hand side से, जब वो match हो जाती है तो उसे non-terminal से replace करवाते हैं, और ये काम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारे पास start symbol नहीं आ जाता। और जाहिर सी बात है कि अगर हमारी string ऐसी होगी जिससे start symbol तक हम नहीं पहुंच पा रहे, तो उसका मतलब है कि वो string ही invalid है, ठीक है, इनवैलिड स्ट्रिंग है अगर स्टार्ट सिंबल नहीं आ रहा, अगर वैलिड है तो फिर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि आपको एक एग्जांपल दी गई है जिससे हम इसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे और इसके आगे ट्रीज भी देखेंगे। ये आपके पास ग्रामर है जिसमें एस इज मेकिंग स्मॉल ए, कैपिटल ए, बी एंड ई, ए इज मेकिंग ए बी सी एंड बी, एंड बी इज मेकिंग डी। अब हमारे पास ये स्ट्रिंग है ए बी बी सी डी ई, हमने स्टार्ट किया पहला स्टेप ए बी बी सी डी ई के साथ। अब इसमें सबसे पहले आपने देखा कि ये जो ई है ये तो ठीक है स्टार्ट सिंबल वाला ही है, और ए भी स्टार्ट सिंबल वाला ही है, ठीक है, हमें इसे रिप्लेस करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये तो हमें देख के पता चल रहा है ना, वैसे भी आप देखें तो प्रोडक्शन में कहीं पे भी ई नहीं बन रहा, देखें इस प्रोडक्शन में कोई ई नहीं बन रहा, और ए भी कोई प्रोडक्शन नहीं बना रही, तो ये हमें पहले ही पता चल गया कि ये चीजें नहीं बन रही। अब हम रीड कैसे करते हैं, हम लेफ्ट टू राइट रीडिंग करते हैं इसकी, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में सबसे पहले ए आया, उसे तो आपने छोड़ दिया क्योंकि आपको पता है कि वो स्टार्ट सिंबल का पार्ट है। फिर हमारे पास आया स्मॉल बी, तो हमें पता है कि स्मॉल बी किसी चीज की राइट हैंड साइड से मिल रहा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि ये जो बी है ये किसी की राइट हैंड साइड से मिल रहा है, तो हमें पता चला कि इस प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड से बी मिल रहा है। अब B की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कैपिटल A, तो रिप्लेस द B बाय A यूजिंग A इज मेकिंग B, तो यहां पे इस B को हमने जिसे अंडरलाइन किया था उसे कैपिटल A से रिप्लेस करवा दिया। अब कैपिटल A से रिप्लेस करवाने के बाद आपके पास यहां पे बन गया A B C, अब ये A B C भी किसी की राइट हैंड साइड से मिल रहा है, तो हमने A B C को रिप्लेस करवा दिया A से बाय यूजिंग दिस प्रोडक्शन, तो यहां पे A कैपिटल A D E आ गया। अब ये A, ये कैपिटल ए, ये ई, इसकी तो हम क्वेश्चन ही नहीं कर रहे। अब हम यहाँ पे डी को देख रहे हैं कि ये जो सबस्ट्रिंग है, देखें ये तो ऑलरेडी ए का हिस्सा, स्टार्ट सिंबल का हिस्सा, ये जो कैपिटल ए है ये खुद अब एक नॉन टर्मिनल है। अब बच गया डी, तो डी हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड से मिल रहा है, तो हमने इसको डी को रिप्लेस करवा दिया बी से बाय यूजिंग दिस प्रोडक्शन, और एट द एंड जब ये पूरा बन गया तो इसको हमने स्टार्ट सिंबल से रिप्लेस करवा दिया। अब ये आपने की है बॉटम अप पार्सिंग, आपने स्ट्रिंग को लिया है और उसको बैकवर्ड लेके जाते जाते स्टार्ट सिंबल तक आप पहुंच गए हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग अ सब स्ट्रिंग बाय अ नॉन टर्मिनल इन द बॉटम अप पार्सिंग इज कॉल्ड रिडक्शन। बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, इसकी रिडक्शन कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। और अगर आप स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करें तो वैसे हम उसको एक्सपेंशन कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम उसको यानी कि टॉप डाउन पार्सिंग में उसको इस चीज़ का नाम नहीं देते, क्योंकि अगर वो देते तो चलो हम पढ़ लेते, लेकिन फिलहाल इस बुक में या आपके वैसे भी कोर्स में इस तरह की चीज़ मेंशन नहीं है। बॉटम अप पार्सिंग कैन बी व्यूड एज ट्रेसिंग आउट द राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स, यानी असल में हम राइट मोस्ट डेरिवेशन रिवर्स में कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि डायग्राम में भी उन्होंने बताया हुआ, आपको ये देखें कितनी, ये देखें आप, ये सारी चीजें रिवर्स में जा रही हैं। आप रिवर्स में देखें कि आपके पास अगर आप देखें तो ये एस ए बी ई है, सबसे पहले आपने बी की डेरिवेशन की, ये देखें ये राइट मोस्ट डेरिवेशन है ना, ये राइट साइड बन रही है ना, आप राइट से स्टार्ट करें, पहले बी की डेरिवेशन की तो वो डी आ गया, यानी इसको चेंज किया, फिर उसके बाद ए को पिक किया तो ए की ये डेरिवेशन की, फिर एंड पे इसे ए को पिक करके इस ए की जगह हमने ये बी लिखा, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम राइट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं। इस प्रोडक्शन से आपको इसकी समझ आ सकती कि हमने राइट मोस्ट डेरिवेशन किया, अगर हम लेफ्ट मोस्ट करते तो पहले ए को करते फिर बी को करते, लेकिन हमने पहले बी को किया और सारा उल्टा करके हम इस तरह चल रहे हैं, रिवर्स में कह रही हूं मैं। अब अगर आप इसकी रिडक्शन आप यहाँ पे देखें, इसकी डायग्राम में उन्होंने किस तरह बताया हुआ, ये देखें, ये पहले स्ट्रिंग में आपने बी को ए से रिप्लेस करवाया, फिर ये बन गया ए बी सी, तो इस ए बी और सी को इकट्ठा करके ए से रिप्लेस करवाया, और उसके बाद इस डी को बी से रिप्लेस करवाया, और इन सारों को जोड़ के आपने फिर एस से रिप्लेस करवा दिया। तो ये असल में अगर आप स्टार्ट से स्टार्ट करके रिड्यूस करते तो ऐसे बनती, लेकिन हमने इस तरह करके रिड्यूस किया, यानी हमने इसका रिवर्स किया, यानी एक्चुअली ट्री का रिवर्स किया, तो ये बॉटम अप पार्सिंग है आपके पास।
अब यहाँ पे आपके पास है दिस इज नथिंग बट द रिवर्स ऑफ द राइट मोस्ट डेरिवेशन. ये हमारे पास राइट मोस्ट डेरिवेशन का रिवर्स है. अच्छा, एक बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि ट्री में इतना एकदम हमें पता नहीं चलता देख के कि ये राइट मोस्ट डेरिवेशन है या लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है. ये चीजें हमें प्रोडक्शन से पता चलती हैं. द रीजन वाई द बॉटम ऑफ पार्सर ट्रेसिस आउट द राइट मोस्ट डेरिवेशन इन द रिवर्स बट नॉट द लेफ्ट मोस्ट इज बिकॉज द पार्सर स्कैन्स द इनपुट स्ट्रिंग ओमेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. पार्सर तो असल में लेफ्ट से राइट को ही कर रहा है, लेफ्ट टू राइट ही हम रीड कर रहे हैं. तो जब उसका उल्टा होगा तो वो राइट टू लेफ्ट होगा ना, तो इसीलिए वो आपकी राइट मोस्ट डेरिवेशन बनती है. लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कभी भी नहीं बनती, दैट इज द रीजन. सो लेफ्ट टू राइट वन सिंबल एट अ टाइम टू ट्रेस आउट इन रिवर्स बाय स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस ओनली विद द राइट मोस्ट डेरिवेशन. क्योंकि हम डायरेक्टली उसको लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हैं, तो जब हम उसकी रिवर्स में हम ये कहेंगे कि रिवर्स में क्या चीज बन रही है, तो वो राइट मोस्ट डेरिवेशन ही बन रही होगी, वो लेफ्ट मोस्ट तो नहीं बन सकती क्योंकि लेफ्ट का आप रिवर्स राइट ही होता है ना. सो द टास्क ऑफ बॉटम ऑफ पार्सर एट एनी टाइम इज टू आइडेंटिफाई सब स्ट्रिंग दैट मैचेज विद द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन. If that substring is replaced by left-hand side non-terminal, that should give one step along the reverse of rightmost derivation. तो अगर हम जब भी उसको, ये हमने पहले भी जब हमने bottom of parsers की थोड़ी सी introduction पढ़ा था पिछले lectures में, तो उन्होंने यही कहा था. तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हम substring ढूंढते हैं और substring को मैच करते हैं राइट हैंड साइड से. जब वो मैच हो जाती है तो हम उसे नॉन टर्मिनल से रिप्लेस कर देते हैं और ये हमेशा एक स्टेप बढ़ा देता है राइट मोस्ट डेरिवेशन की तरफ, रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन. इन बॉटम ऑफ पार्सिंग फाइंडिंग द सब स्ट्रिंग दैट मैचेस विद द राइट हैंड साइड ऑफ द रूल एज वेल एज इट्स पोजिशन इन द करंट सेंटेंशियल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ बोथ फैक्टर्स इन अकाउंट. लेट अस डिफाइन हैंडल. और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज हैंडल एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड द हैंडल और उससे हम चीज़ों को किस तरह करते हैं. लेकिन अभी आपको पूरा क्रक्स ऑफ बॉटम अप पार्सिंग समझ लेना चाहिए. यह हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 अब स्टार्ट कर दिए. चैप्टर नंबर 4 जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है पेज नंबर 137 तक, वो वहीं तक चलेगा और हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.